हेलो व्यूवर्स, अनाना क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड नीम सैनिटाइजर, है ना। इसे हमने 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बनाया है। वो इंग्रेडिएंट्स एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक है ना। इसे हमने कैसे बनाया है, वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से है, इसकी शेल्फ लाइफ यानी इसकी एक्सपायरी कितनी होती है और इसके यूजेस कौन कौन से है ना, ये सारी बातें हम खुल कर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल अनाना क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अनाना क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे और ये सब कुछ एकदम फ्री है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। ये नीम हैंड सैनिटाइजर है तो ऑब्वियसली हमने इसे नीम यानी नीम के पाउडर से बनाया है और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर तक होती है ना। और चलिए अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सैनिटाइजर है और सैनिटाइजर आप इस कोविड एपिडेमिक में काफ़ी फेमस चीज़ बन चुकी है ना। तो हम इसे अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें हर 4 घंटे पर यूज़ कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ अगर हमें अपने वॉल को सैनिटाइज करना है, फर्नीचर को करना है, डोर हैंडल्स को, फ्रिज हैंडल्स को, माइक्रोवेव हैंडल्स को, किसी भी तरह के जहाँ भी हमें सैनिटाइज करना है हम वहाँ स्प्रे करके इसका सैनिटाइजेशन आराम से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये रबिंग अल्कोहल की ज़रूरत होती है ना। ये हम 200 ml रबिंग अल्कोहल लेंगे, है ना। ये हमारे पास मेजरिंग ग्लास है, आप चाहे तो अंदाजे से भी ले सकते हैं। ये रबिंग अल्कोहल आपको किसी भी मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगा, है ना। ये हमने 200 ml, ये हमारे पास मेजरिंग ग्लास है, हमने इसे 200 ml ये रबिंग अल्कोहल ले लिया है। यही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। मतलब सैनिटाइज़र अगर हम बनाएं तो इसका सबसे ख़ास और मेन इंग्रेडिएंट्स रबिंग अल्कोहल ही होता है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें ये आधा टीस्पून हम इसमें ये नीम पाउडर डालेंगे। ये होममेड नीम पाउडर है जो हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से बनता है। आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं कि हमने ये होममेड नीम पाउडर किस तरह से बनाया है ना। तो हमने इसमें ये आधा टीस्पून इसमें नीम पाउडर मिला दिए हैं। ये भी इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि हमने ये नीम से ही बनाया है। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें आधा टीस्पून हम इसमें एलोवेरा जेल लेंगे। यहाँ हमने हर्बल ट्री का एलोवेरा जेल लिए हैं जो बहुत ही अच्छा, एकदम ऑर्गेनिक और 100% नेचुरल होता है। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें ये 5 ड्रॉप इसमें लेमन ऑयल डालना है ना। अगर आपके पास लेमन ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई दूसरा एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये सब कुछ मिक्स हो गया है ना। इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है कि हमें एक स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसका जो बारीक बुरादा है या कोर्स पाउडर है वो अलग हो जाए, है ना। ये हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसके बाद जो ये हमें नीचे का ये जो मिल रहा है ये हमारा मेन मटेरियल है ना। ये हमारा सैनिटाइज़र बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक हमें स्प्रे बॉटल लेना है। आपके पास जो भी जैसी भी बॉटल है आप उसमें ले सकते हैं। यहाँ हमने स्प्रे बॉटल यूज़ किया है। हमें इसमें बिल्कुल बहुत ही एहतियात से और धीरे धीरे करके इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है ना। ये देखिए धीरे धीरे हमने इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है ना। अब इसके बाद अब हमें इसकी एक जो मेन स्टेप है वो हमें इसमें करना है। वो मेन स्टेप क्या है कि हमें इसका स्किन पे टेस्ट करना है ना। इसका स्किन पे टेस्ट करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें ये इस तरह से स्प्रे करना है और उसके बाद देखना है कि ये हमारी स्किन के लिए सेंसिटिव है या क्या है, ये हमें सूट होता है या नहीं होता। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार हमारा ये नीम सैनिटाइज़र बनकर तैयार हो गया है ना। ये देखिए ये एकदम वोलेटाइल है, थोड़ी देर बाद ही ये उड़ जाता है ना। तो आप भी अपना होममेड नीम सैनिटाइज़र घर पर बनाइए
और अपने अनुभव अनाना क्रिएशंस के साथ शेयर कीजिए, है ना। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। और ब्यूटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।